जनपद पंचायत गुनौर में भ्रष्टाचार चरम पर, अब दुकानों के नाम पर हो गया भ्रष्टाचार। 3-5 के भ्रष्टाचार के पेच में उलझ गई जनपद पंचायत गुनौर। प्रस्तावित हुआ था 3 दुकानों का निर्माण। भ्रष्टाचार में लिप्त जिम्मेदारों ने बना ली अवैध रूप से 5 दुकान। 3,60,000 से निर्मित दुकानों का न कोई नाप न कोई मूल्यांकन न रखी गई। निर्माण से लेकर आवंटित प्रक्रिया में सार्वजनिक पारदर्शिता। भले ही प्रशासन भ्रष्टाचार खत्म करने में लाख प्रयास कर रहे हों, लेकिन भ्रष्टाचार की चाशनी में डूब चुके भ्रष्टाचारियों पर लगाम अब नहीं लगा पा रही है। वो किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार करने का रास्ता निकाल ही लेते हैं। ताजा मामला जनपद पंचायत गुनौर से निकलकर सामने आया है, जहां पर 3 दुकानों के निर्माण 5वें वित्ते से 3,60,000 की लागत से होना स्वीकृत हुआ था। दुकानों का निर्माण तो शुरू हुआ, लेकिन दुकान निर्माण में भ्रष्टाचार इस कदर हावी हुआ कि 3 दुकानों की बजाय अब 5 अवैध दुकानों का निर्माण कार्य करवा दिया गया। निर्माण में ना कोई नाप ना कोई मूल्यांकन ना कोई गुणवत्ता, बल्कि अवैध रूप से 5 दुकानें बनवा डाली। दुकानों के निर्माण से इसकी प्रक्रिया के लिए भी ना कोई विज्ञापन ना कोई सूचना ना आवंटन के नाम पर दलालों के सांठगांठ पर लाखों रुपए का भ्रष्टाचार का लीपापोती कर डाला गया। जबकि आज तक दुकानों के निर्माण का ना तो कोई मूल्यांकन हुआ और ना ही कोई कारण का पूर्णता प्रदान की गई, लेकिन जिम्मेदारों की मिलीभगत से दलालों के माध्यम से दुकानों के निर्माण से आवंटित की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार जरूर जमकर किया गया है। इस संबंध में दुकानदारों का कहना है कि हम वर्षों से इस जगह से दुकान संचालित कर रहे हैं, दुकानें शासन की हैं तो आवंटन में पारदर्शिता से कार्य होना चाहिए। वहीं जनपद पंचायत गुनौर के लिपिक हीरा सिंह और जनपद पंचायत गुनौर के निर्माण समिति के अध्यक्ष राम सुरुमणि मिश्रा द्वारा पूरे मामले में गोलमाल जवाब देते नजर आए हैं। तो वहीं जनपद पंचायत गुनौर के CEO अशोक चतुर्वेदी से बात की गई तो पूर्व का मामला की बात कहकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। क्या है, पूरा सामान वामान पहले से डला था, 3 महीने के बाद बाहर डला था। अब दुकान मिली तो फिर दुकान टूटी, फिर दुकान टूटने के बाद फिर से दुकान बनी, तो हम लोगों की दुकानदारी जो की तो वैसे ही है। आप लोगों को दुकानें सुपुर्द न करके और अतिक्रमण हटाने के लिए बोला जा रहा है, इसमें क्या है आपकी मंशा? प्रशासन किस तरह से बिहेव कर रहा है आपके साथ? गलत कर रहा है हमारे साथ। क्या 25-30 साल हो गए दुकान रखे हम लोगों की, तो कम से कम हम लोगों से एक बार भी तो पूछा जाए कि आपको दुकान चाहिए कि नहीं चाहिए। तो सरकारी दुकान सबको मिल रही है, तो क्या हम लोगों को नहीं मिल सकती है? जब हमको 25-30 साल यहाँ हो गया, सबको जानकारी है, यहाँ 30 साल उनको दुकान रखे हो गया, डब्बा मैंने रखा, अब डब्बा के बाद दुकान बन गई है। तो छोटी मिले जहाँ बड़ी मिले, जैसे तो बोल नहीं रहे कि नहीं हम लोगों को बड़ी चाहिए भाई, इतनी दुकान तो मिल जाए जितने हमारी रोजी रोटी चल सके। क्या नाम है आपका? धीरन पांडे।